दोस्तों LG ने लॉन्च कर दिया है अपने 2022 के मॉडल, जिसका मॉडल नंबर है UQ7500PT YOPTZ। कुल मिला के 43 इंच का मॉडल है और 55 इंच का मॉडल। 43 इंच वाले मॉडल का प्राइस है 33,000 रुपीज, 34 के आसपास पड़ेगी आपको, और 55 इंच वाले का है 50,000 रुपये, 49,000 रुपीज। तो देखो सिमिलर मॉडल्स हैं इसके पिछले वाले मॉडल की, जो कि अपना था UP7500, उसकी हमने अनबॉक्सिंग करी थी मेरे चैनल पर जाके, आप जाके देख सकते हैं उस वीडियो को, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ऊपर भी कार्ड दे दूंगा। उस वीडियो में हमने लगभग इस टीवी के बारे में सब कुछ बता दिया था, और सच कहूं तो ये जो टीवी उन्होंने लॉन्च करी है लगभग सेम है, बिल्कुल भी ज़्यादा थोड़ा बहुत कुछ अंतर है मेरे हिसाब से, तो कुछ अंतर मेरे को मिला नहीं है। मे बी सम फीचर्स उन्होंने अपग्रेड किया होगा, जस्ट इट्स एन अपडेट टू द ओल्ड मॉडल, बाकी ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। पुराने वाली मॉडल 1,000 रुपये सस्ती मिल रही है, तो मेरे हिसाब से 1,000 रुपये ज़्यादा देके आप यही ले लेना, लेकिन फिर भी मैं सारे फीचर्स आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। माई नेम इज जुदेश शर्मा, यू वॉचिंग डी रावत। मैं इंट्रो बजाता नहीं हूँ, तो फटाफट से हम फीचर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहली बात ये बोल रहे हैं, शार्प 4K विजुअल्स जो कि हमेशा से होते हैं, ऐसा कुछ खास बदल नहीं रहे हैं। फीचर्स हाई रिजोल्यूशन, 4K एक्यूरेसी, द LG UHD renders, true to life visuals and this, ये सब बोलने वाली चीज़ें हैं, फैक्ट के मानने वाली टर्म्स, लेकिन हाँ LG, सैमसंग और सोनी की 4K की अपस्केलिंग और जो रियल स्टेक इमेजरी कह रहे हैं भाई साहब, ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन इतना ये फैक्ट के बोल रहे हैं इतना नहीं होता है। एलिगेंट डिज़ाइन वाइज, देखो डिज़ाइन वाइज तुम्हारा चेंज ही नहीं है, पिछले साल भी 85mm की थिकनेस थी, इस साल भी 85mm की ही थिकनेस है। थिकनेस फ़र्क कहाँ पड़ा है, जो स्टैंड था वो नीचे से 217mm का था पिछले साल इनका, लेकिन अब हो गया 187, तो 2 सेंटीमीटर स्टैंड का कम कर दिया, और शायद स्टैंड को थोड़ा सा बेटर बनाने की कोशिश करी गई है, जो कि अच्छी चीज़ है। ऑब्वियसली इंप्रूवमेंट्स हमेशा होने ही चाहिए, नहीं तो आप फिर तो पुरानी टीवी लॉन्च कर देते ना। इस तरह उन्होंने नया टीवी लॉन्च किया है विद न्यू स्टैंड आई थिंक, क्योंकि थिकनेस काफ़ी कम हो गई है। बूस्टेड टीवी परफॉर्मेंस, अब पहले ये क्वाड कोर का प्रोसेसर यूज़ करते थे, लेकिन अब ये यूज़ कर रहे हैं Alpha 5 Gen 5 का AI प्रोसेसर, जो कि OLED वाली टीवीज़ में पहले यूज़ होता था। तो वो प्रोसेसर करता क्या है, 4K टीवीज़ में आपको एक बेटर पिक्चर बना के देगा, बेटर कलर्स के साथ पिछले वाले मॉडल से, जो कि अंतर है और जो कि बेहतर है मेरे हिसाब से। प्रोसेसर का एक सबसे बड़ा फर्क पड़ने वाला है इस टीवी में पिछले वाले मॉडल से, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है, मज़ा आएगा आपको। बाय द वे, अगर आपको टीवी खरीदनी हो तो यहाँ पर एक एरो आता है, उस एरो पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके पहला लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर जाके इस टीवी को खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 4K अपस्केलिंग आपको मिलती है LG। देखो अपस्केलिंग दो टाइप की होती है, या तो अच्छी या बुरी, बीच का मामला कुछ नहीं होता कि लाइक थोड़ी बहुत अच्छी दिख रही है, थोड़ी बहुत मतलब है ही नहीं, ना के बराबर ही होती है। लेकिन LG की टीवीज़ में और सोनी सैमसंग में काफ़ी अच्छी अपस्केलिंग देखने को मिलती है। जो 1080p का कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा दिखेगा आपको, ऐसा नहीं है कि बाकी जो फुल HD टीवी देख रहे हो सही दिखेगा, नहीं, अपस्केलिंग होगी और अच्छा दिखेगा आपको। AI ब्राइटनेस का कंट्रोल बोल रहे हैं ये, कुल मिला के तो AI ब्राइटनेस कंट्रोल फीचर्स हेल्प टू इंश्योर कॉन्ट्रास्ट एंड विजिबिलिटी इन लो लाइट सिचुएशन बाई ऑटोमेटिकली एडजस्टिंग द ब्राइटनेस लेवल फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरमेंट। मतलब आपको बार बार ब्राइटनेस को इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, इस टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप टीवीज का फीचर है कि रूम की लाइट के हिसाब से ऑटोमेटिकली टीवी की ब्राइटनेस कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी। इमर्सिव AI साउंड है, साउंड का भी ऐसा ही सिस्टम है, जैसा आपका रूम है उस हिसाब से इसमें ऑडियो दिखाई जाएगी आपको। कॉम्प्रिहेंसिव वेबओएस मिलता है, देखो LG का वेबओएस ही उनकी मेन चीज है, जो कि एकदम फास्ट बूट हो जाता है, 10 से 15 सेकंड में एकदम कोई भी ऐप खोलना है तुरंत खुलता है, और ऑब्वियसली आप इसको अलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हैं। वेबओएस के एक और फीचर ये है कि आप इसमें अगर सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करते हैं अपना, टाटा स्काई डिश टीवी या फिर कुछ भी, तो उसके चैनल्स को डायरेक्टली रिमोट से ही लगा पाएंगे और उसमें चैनल्स के लोगो बने आ जाते हैं, बहुत मस्त चीज़ है यार, एकदम मस्त। स्पोर्ट्स वाला भी आपको उसमें मिल जाता है, इंस्टेंट स्पोर्ट्स अलर्ट वगैरह, 4K रेजोल्यूशन आपको मिलता ही है। इनबिल्ट एंटरटेनमेंट, इसमें जो मूवीज़ का बटन है उसमें आप सर्च करके टैब्स के अंदर, जैसे नेटफ्लिक्स ऐप में कोई मूवी आई है तो वो बाहर ही दिखती है, कंटेंट गाइड टैब का वो भी मिल जाएगा आपको इसमें। फैसिनेटिंग HDR10 Pro, अब ये तो दहिया देखने वाली बात होगी, क्योंकि HDR परफॉर्मेंस ऑफ TVs डिपेंड्स ऑन ब्राइटनेस, और अगर टीवी की ब्राइटनेस अच्छी है तो आपको HDR अच्छा दिखने ही वाला है, क्योंकि भैया Alpha 5 का Gen 5 प्रोसेसर काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी, टीवी जब सामने आएगी तभी हम बता पाएंगे। एक फिल्म मेकर मोड है, जो कि मुझे कभी पसंद नहीं आया, कुछ कुछ मूवीज़ में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे एक CPU वाला लुक देता है जो कि मुझे पसंद नहीं आता, लेकिन आपको अच्छा लग सकता है। एपिक गेमिंग वाला आपको भी मिलता है इसमें, मतलब अगर आप गेम खेल रहे हैं या फिर अपना PC भी कनेक्ट करते हैं इस टीवी से, तो थोड़ा बहुत आपको लैग कम मिलेगा। HDIG की टेक्नोलॉजी है, मतलब गेमिंग में भी आपको HDR मिलेगा,
और बढ़िया रहेगा वो जो थोड़ा सा मतलब PS5 वगैरह कनेक्ट करते हैं उन लोगों के लिए। इन द बॉक्स आपको LED टीवी मिलेगी, एक नंबर मैनुअल मिलेगा, वारंटी कार्ड मिलेगा, रिमोट मिलेगा, बैटरीज मिलेंगी, और जो वॉल माउंट है यहाँ पे लिखा हुआ है नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे अब तक ऐसी कोई LG टीवी नहीं मिली है जिसमें आपको वॉल माउंट इंस्टॉलेशन वाला देखने जाए। ऑब्वियसली इंक्लूडेड नहीं होगा, लेकिन वो इंस्टॉलेशन वाला फ्री ऑफ कॉस्ट देखा जाएगा जहाँ तक मुझे पता है। मॉडल नंबर है 55UQ7700, 4355 इंच में दो आते हैं ये। 3 HDMI पोर्ट मिलेंगे, 1 USB पोर्ट मिलेगा, वाईफाई इसमें 5 GHz का मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ट इन मिलेगा। और 1100:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशो है, पैनल है LED, 60Hz की डिस्प्ले है, और इसमें बाकी सब थोड़ी बहुत और चीज़ें दी गई हैं। 1.5 GB की रैम है और 8 GB की स्टोरेज है, लेकिन टेंशन मत लीजिए, 8 GB की स्टोरेज, 1.5 GB की रैम वेब ओएस को चलाने के लिए काफ़ी होती है, आप इसमें एंड्रॉयड नहीं चलाने वाले। कास्टिंग इसमें हो जाती है, गूगल असिस्टेंट आपको इसमें मिल जाएगा, एलेक्सा भी मिल जाएगा, और सब मतलब प्रॉब्लम, और इसका इनका खुद का भी एक वॉइस वाला है LG ThinkQ का, वो भी मिल जाएगा। LG ThinkQ के ऐप में अगर आप इसे सेटअप कर लेते हैं तो अपनी AC या फिर LG ThinkQ के और डिवाइसेस को भी आप TV में से ही कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। सारे ऐप्स आपको इसमें मिल जाते हैं, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, सोनी लिव, Z5, एप्पल TV, एलेक्सा, गूगल, एप्पल एयरप्ले, एप्पल होम क्रिएट, एंड्रॉयड, iOS सबका इसमें आपको सपोर्ट मिल जाएगा। और कास्टिंग भी है, कनेक्टिविटी फीचर्स मैंने आपको पहले बता दिया कि एक रियर में मिलेगा, पीछे की साइड दो साइड में मिलेंगे, जो मतलब जो पिछले साल वाला ही सीन है सारा, कुछ बदला इन्होंने है नहीं। अब मेन मुद्दा याद आ रहा है कि रिमोट का, क्या आपको ये वाला मैजिक रिमोट मिलेगा कि नहीं। अब देखो, मैजिक रिमोट की बात ये है कि ये LG का बेस्ट रिमोट है, और ये अगर 32 इंच की 19,000 रुपये की टीवी मिल रहा है तो एक 33,000 रुपये या फिर कोई 50,000 रुपये 55 इंच की टीवी के लिए खर्च करता है, तो ये रिमोट आपको देना चाहिए। लेकिन अगर नहीं दे रहे हैं 7500 वाले के साथ, इसके अपर मॉडल या जो 7720 या 7740 आएगा उस मॉडल के साथ देंगे, तो ये है नाइंसाफी। LG, दिस इज रॉन्ग, यू हैव टू गिव दिस रिमोट टू ऑल ऑफ योर कस्टमर्स, क्योंकि आप 32 इंच वाले को भी ये रिमोट दे रहे हो, या फिर एक ऑप्शन कि हम इसे अलग से खरीद सके, क्योंकि अगर ये रिमोट बॉक्स में नहीं निकल रहा ना, तो मेरे हिसाब से 33,000 रुपये वर्थ वाली बात नहीं रहेगी। पिछले साल भी नहीं दिया था उन्होंने लोअर मॉडल के साथ, बट इस साल बनता है, क्योंकि आपका रिमोट बहुत फेमस हो गया है। इस रिमोट में आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, मूवीज, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के हॉटकीज मिलती हैं, एक व्हील सा मिलता है जिससे कि आप एक तरह से माउस की तरह यूज़ कर पाएंगे टीवी को, टीवी में माउस बना आ जाएगा और इस व्हील से यूज करके बिल्कुल माउस की तरह यूज हो जाएगा। नंबर बटन मिलते हैं, नंबर बटन से आप सेटअप बॉक्स को भी कंट्रोल कर पाएंगे, या फिर PS5 या फिर और सौ तरह की चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि बहुत सही चीज़ लगती है मुझे हमेशा से। मैंने पहले ही बताया, यू कैन चेक आउट दिस टीवी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली खरीद सकते हैं। मेरे हिसाब से टीवी बहुत अच्छा है, सैमसंग के AUE65 को ये डायरेक्ट टक्कर देने वाला है। दोनों का एक कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे, जल्दी ही वो आपको बताएंगे दोनों में से कौन सी बेहतर है, लेकिन मेरे हिसाब से पिक्चर क्वालिटी में काफ़ी बेहतर रहने वाला है सैमसंग से। लेकिन और चीज़ें बताती हैं, जैसे कि सर्विस, या फिर अगर आप बात करें तो रिमोट भी इसका बेहतर है, और मतलब ऑडियो क्वालिटी में भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 20W का स्पीकर है और काफ़ी पतला टीवी है। पिछले साल से कितना फ़र्क पड़ा है कि नहीं, मेरे हिसाब से तो सेम ही रहने वाला है। देखते हैं, आपको कंपैरिजन जब सामने आएगी टीवी तभी करके दिखाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट लाइक, गेट सब्सक्राइब एंड चेक आउट अदर वीडियोज ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।